हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल मूवी की एक्ट्रेस एंड बिग बॉस तमिल सीजन 6 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट माइना नंदिनी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप माइना नंदिनी के फ़ैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है माइना नंदिनी और निक नेम है माइना निमुराजा नंदिनी। प्रोफेशन से एक्ट्रेस, वीडियो जॉकी एंड एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म 26 जनवरी 1993 को मदुराई तमिलनाडु इंडिया में हुआ था, और 2022 के हिसाब से आज इनकी एज 29 ईयर हो चुकी है, और इनका होम टाउन चेन्नई तमिलनाडु इंडिया है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो नंदिनी की हाइट लगभग 5'4" है। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है, और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो नंदिनी ने अपने स्कूल की पढ़ाई मीनाक्षी मैट्रिकल्सल स्कूल मदुराई से की, और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई अंबिका कॉलेज तमिलनाडु से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने BBA की हुई है। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। तो नंदिनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल मूवी बैनिला कबड्डी कुजू से की, जो 2009 में आई थी, बट इनको इस मूवी में कोई क्रेडिट नहीं मिला। और साल 2010 में डायरेक्टर पंडीराज ने इनको अप्रोच किया अपनी आने वाली मूवी बमसम में लीड रोल के लिए, जिसमें इनका कैरेक्टर सारासू था। बाद में इन्होंने केडी बिल्ला किवाड़ी रांझा मूवी में भी काम किया 2013 में। उसके बाद इन्होंने बेलाई खारा दुराई मूवी में भी काम किया, और साथ ही साथ ये रोमियो जूलियट मूवी में भी काम कर चुकी हैं। और उसके बाद इन्होंने टीवी में डेब्यू किया सरवनम मिनाती सीजन 2 में, जिसमें इनका कैरेक्टर रेवती का था, जिससे इनको काफ़ी अच्छी पहचान मिली और लोग इनको काफ़ी जानने लगे। उसके बाद इन्होंने सरवन मिनाती सीजन 3 में काम किया। उसके साथ साथ इन्होंने चिन्ना थाम्बी अरान मंडी किल्ली और पंडिनम स्टोरेज में काम किया। और हम आपको बता दें, ये एज अ जज भी काम कर चुके हैं। इन्होंने एज अ जज टीवी शो खाला खा पोवाडू यारू सीजन 5 में काम किया, और साथ ही साथ ये कॉमेडी खिलाड़ीज में भी काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एज अ होस्ट भी काम किया है। इन्होंने एज अ होस्ट मिस्टर एंड मिसेस चिन्नाथी राय सीजन 1 में डेब्यू किया था, और उसके साथ साथ ये सुपर सिंगर्स जूनियर में भी काम कर चुकी हैं। और इन्होंने साल 2015 में किचन सुपरस्टार सीजन 3 में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट लिया था, और ये उसकी विनर भी बनी थी। और अब साल 2022 में ये बिग बॉस तमिल सीजन 6 के एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई हैं। तो देखते हैं ये यहाँ पर क्या करती हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज का नाम है नवंबर स्टोरी, जो 2021 में आई थी। और अब इनकी अपकमिंग मूवी है सरदार, जो 2022 में आने वाली है। तो हमको कमेंट करके बताना कि नंदिनी आपको कैसी लगती हैं। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम राजा है, इनकी मदर का नाम मिसेज रानी है, और एक इनके ब्रदर भी हैं जिनका नाम बल्लू है। और हम आपको बता दें, इनके एक्स हस्बैंड का नाम लेट कार्तिकम था, जिससे इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के 6 मंथ बाद दोनों के बीच काफ़ी बड़ा कलेश हुआ, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अभी 2019 में इन्होंने कॉमेडियन योगेशम से मैरिज कर ली है, और इनके एक बेटा भी है जिसका नाम ध्रुवन है, जो 2020 को हुआ था। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है किया की सेल्टोस, सेकेंड कार है BMW। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग एक मूवी में काम करने का 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क
लगभग 1 मिलियन यूएस डॉलर है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 8 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी मायना नंदनी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।